पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच शहबाज शरीफ की सरकार ने 2000 से ज्यादा लग्जरी कार्स के आयात की इजाजत दे दी है, जबकि जरूरी वस्तुओं की खेप बंदरगाहों पर अटकी हुई है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा है और जिसकी वजह से लगभग सभी तरह के आयातों पर रोक लग चुकी है। लेकिन पाकिस्तान ने पिछले 6 महीने में करीब 2000 लग्जरी गाड़ियों को आयात किया है, जिसमें 150 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IMF की एक टीम इस हफ्ते पाकिस्तान का दौरा भी करने वाली है और इस दौरान पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने के बारे में भी बात हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जरूरी सामान इस वक्त बंदरगाह पर अटका हुआ है, विदेशी मुद्रा का संकट आ खड़ा हुआ है। और शहबाज शरीफ के पास आर्थिक संकट से निकलने का कोई मुकम्मल प्लान नहीं है और ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, ये एक दिन में पैदा नहीं हुए हैं, ये सालों की सत्ता की धोखेबाजी है। आतंकवाद को पालने और आवाम के प्रति उदासीनता का कारण ये सब कुछ हुआ है। ये आज पाकिस्तान की जनता के साथ सरकार के हाथ में भी कटोरा आ गया है, लेकिन उसे कोई मददगार तक नहीं मिल रहा और हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि जिन्ना के देश में सिविल वॉर का सायरन किसी भी वक्त बज सकता है। IMF के भीख के टुकड़े से कर्ज में आकंठ डूबे पाकिस्तान का कितना भला होगा जब देश का रोम रोम लोन में डूबा है। विश्व बैंक शहबाज शरीफ को जिन शर्तों के आधार पर कर्ज देने के लिए तैयार हुआ है, वो शर्तें पाकिस्तान की आवाम के गले के नस को और दबाने वाली हैं। पाकिस्तान के लोगों का भी मानना है कि ये हालात तो बनने ही थे। करोड़ों पाकिस्तानियों की थाली से रोटी गायब है, कई परिवारों को हरी सब्जियां तक नसीब नहीं है। ऐसे में अब लूटपाट के जरिए ही खुद को जिंदा रखने की कोशिश शुरू हो चुकी है। आवाम खून के आंसू रो रही है और अगर हाल यही रहा तो फिर जिन्ना के मुल्क में सिविल वॉर का सारण किसी भी वक्त बच सकता है। आटा लेते हैं, पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं। आप इस रजीम चेंज की कीमत देखते हैं, 2 दिन में आपका डॉलर 35 रुपए गिर गया है। क्यों गिर गया है? क्योंकि इसी हुकूमत ने अपने वजीर खजाना को फायर किया, उसने भी कोई कारनामे नहीं किए थे। पाकिस्तान की दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है? शहबाज अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था। ये वही कश्मीर है जहां स्वतंत्र भारत में एक ऐसा समय आया जब 10 वर्ष तक 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी राज्यपाल भी झंडा नहीं फहरा सकते थे। 1988 से 1998 जिस दौर में हमारी पार्टी ने, जब डॉक्टर मुलीम मनोहर जोशी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी युवा नेता के रूप में उस यात्रा की, मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था, गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंटरस्टेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 Streaming 3rd February 9 p.m.